पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर, और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गलना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा? क्या अभी भी संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा?